this poem's writer or you can say the poet's name is mary hobbit okay <clears throat> okay uh, right at the very beginning of this particular video let me tell you that uh, students who are watching my channel or who are watching my videos please don't forget to subscribe to my channel if you like my content and also, do share my contents, my videos among your friends and other members if you definitely like the way I am teaching you. Okay, so let us start the poem The Spider and the Fly, written by Mary Howitt. Mary Howitt was an English poet and uh, she wrote this particularly famous poem, The Spider and the Fly. And Mary Howitt was basically. Famous for this particular poem. Mary Bobbitt was not merely a poet, she was also an author. And this particular poem, The Spider and the Fly, actually was written in a way uh, which we can tell a fable. ओके okay? uh, ये जो पोएम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई ये पोएम एक्चुअली इस तरीके से लिखा गया है कि वो जो ओरिजिनल पोएम्स होते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं यूजुअल टाइप्स ऑफ पोएम्स उस तरीके से नहीं लिखा गया है ये लिखा गया है कुछ और ही तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेस्ड ऑन अ स्टोरी ओके दिस पर्टिकुलर पोएम एक्चुअली फॉलोज अ वेरी स्टोरी बेस्ड फॉर्मूला और और एक चीज है कि ये जो पोएम है ये पोएम को हम लोग फेबल भी कह सकते हैं ना वॉट इज फेबल हम लोग फेबल किसको बोलते हैं फेबल हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर पोएम uh, को जिस जिस जो जो पोएम में एक्चुअली एक काइंड ऑफ यू नो पोएटिक स्टोरी है वी डू कॉल अ पोएम व्हेन दिस पर्टिकुलर पोएम कैरीज अ पोएटिक स्टोरी ओके ये जो पोएटिक स्टोरी है ये पोएटिक स्टोरी दो कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए और वो कैरेक्टर्स होगा दो एनिमल्स और दो इंसेक्ट्स ठीक है कोई दो एनिमल्स और कोई दो इंसेक्ट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होते हैं उस कन्वर्सेशन को हम लोग पोएटिक स्टोरी और फेबल कहते हैं और डेफिनेटली अ फेबल अह uh, फेबल की एक चीज है जो मैंडेटरी है एक्चुअली और वो चीज क्या है वो चीज है कि एक फेबल ऑलवेज गिव्स अस अ काइंड ऑफ मोरल लेसन फेबल्स जो होते हैं फेबल्स ऑलवेज हम लोगों को एक मोरल लेसन देते हैं तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं इसी पोयम को ओके लेट अस स्टार्ट विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड अ स्पाइडर टू अ फ्लाई सो हियर यू कैन सी फ्रॉम द वेरी टाइटल ऑफ दिस पोएम यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर पोए टू कैरेक्टर्स वन इज अः स्पाइडर एंड वन इज अ फ्लाई ठीक है ये जो पोएम है ये पोएम में दो कैरेक्टर है और ये दो कैरेक्टर्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है मेन कैरेक्टर्स है और दो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन सा है एक है फ्लाई और एक है स्पाइडर नाउ एक चीज हम लोगों को मालूम है और वो है कि स्पाइडर इट्स फ्लाई है ना स्पाइडर का जो जाल है स्पाइडर का जो वेब है उसी वेब में एंट्रैप करके एक स्पाइडर एक फ्लाई को खाते हैं स्पाइडर इट्स फ्लाई आफ्टर एंट्रैपिंग इट विदिन इट्स वेब ये बात हम सबको मालूम है है ना अभी देखो ये जो पोएम है ये पोएम है वो दो कैरेक्टर्स के बीच में जहां एक आ, ऐसा रिलेशनशिप है जो रिलेशनशिप कंप्लीटली Uh, मतलब एकदम ही ट्रस्टवोर्दी नहीं है एक फ्लाई कभी भी एक स्पाइडर को ट्रस्ट नहीं कर सकते जैसे तैसे करके वो जो स्पाइडर है वो उस फ्लाई को खा ही लेगा इसीलिए एक फ्लाई को कभी भी एक स्पाइडर को क्या करना नहीं चाहिए ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अ फ्लाई मस्ट नॉट ट्रस्ट अ स्पाइडर एंड दैट इज द वेरी बेसिक रूल क्योंकि The spider hey that spider must eat the fly right now or then okay now see will you walk into my parlor now here the parlor is basically the very residence of the spider hmm? here the spider says to the fly this the prettiest little parlor that ever you did spy okay so the spider is telling the fly that my parlor my house is the prettiest house where you have never visited spy ki matlab kya hai SPY, spy spy ki matlab hai he detect karna ah, she is a spy that means a kind of detective okay she is actually gathering information from me and giving those information among others or spreading those information among others or giving those information to someone else that particular person is a spy so here the spider is telling the fly that my parlor or my nest or you can say my residence is the prettiest one i believe where you have never visited the way into my parlor is up a winding stair and i have many pretty things to show when you are there Okay, the way into my parlor is up a winding stair, and I have many pretty things to show when you are there. So this is the very dialogue, or this particular speech is actually given by the spider to the fly. Now here the spider is showing where it does live. Okay. It lives or its parlor is up a winding stair. The stair hai, usi stair key. स्टेयर में एक्चुअली स्टेयर की कोई भी कॉर्नर होगा कोई भी ऐसा विंडो होगा जहाँ जो स्पाइडर है उसका रेसिडेंस है और यू कैन से उसका पार्लर पार्लर उसका वेब है एंड द स्पाइडर डज हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल प्रिटी थिंग्स जो उस स्पाइडर को फ्लाई को दिखाना है है ना सो हियर यू कैन सी हाउ द स्पाइडर इज एक्चुअली बॉटरिंग द फ्लाई ये जो पैराग्राफ you know, है, इसी पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है कि कैसे एक स्पाइडर एक फ्लाई को बटरिंग कर रहे हैं और ऑयलिंग कर रहे हैं अभी हम लोग ऑयलिंग मतलब मी वेन डू वी सेन इज यू नो बटरिंग मी दैट मीन्स वी कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट ये समिंग इज हैिंग विच शुड नॉट है वेरी ऑफन but all of a sudden he or she meets me and starts talking to me in a very cool and in a very wonderful way in a very smooth way isn't it surprising definitely it's surprising because jab bhi koi aisa matlab shakhs ke sath hum logo ka matlab mulakat ho jate hai so jo aksar aise hum logo ke sath baat karte hai ki बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं बहुत ही रूढ़ तरीके से बात करते हैं ऑल ओवर सडन अगर वो बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छी बहुत ही स्मूथ uh, तरीके से अगर बात करने लगे इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है कुछ ना कुछ मिस्ट्री है बिकॉज दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज रियली वेरी मच मिस्टेरियस इज इट तो यहाँ जो स्पाइडर है वो स्पाइडर इज टॉकिंग टू द फ्लाई इन अ वेरी कूल वे व्हाई बिकॉज द फ्लाई इज नॉट गेटिंग इंट्रैक्ट इन एनी वे ये जो फ्लाई है ये फ्लाई कोई भी तरीके से स्पाइडर की जो ट्रैप है जो वेब है वहां नहीं आ रहा है इसीलिए उसको हांट करने के लिए उसको ईट करने के लिए मच फ्लॉर्टिश दिस पर्टिकुलर टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड इन टू योर कॉपी फ्लॉर्टिश ओके स्पाइडर इज बिकमिंग वेरी मच फ्लॉर्टिशस टू होम टू हियर यू कैन सी Two characters among these two characters the spider is a strong character and the fly is a weak character because the spider eats a fly. A spider always eats a fly, so we can say that a fly is a weak character and a spider is a strong character. Okay, <clears throat> fine. So let us come to the next part. Let us come to the next part.

स्पाइडर की वो जो ऑफर था कि चलो मेरी रेसिडेंस में चलो मेरे घर में चलो मेरी पार्लर में वहाँ बहुत ही मतलब हवा चल रहा है बहुत ही अच्छा खासा पार्लर है मेरा घर है मेरा वहाँ जाओ वहाँ चलो मेरे साथ और बहुत सारा ऐसा ब्यूटीफुल चीज है जो मुझे तुम्हें दिखाना है चलो मेरे साथ ये जो फ्रेंडली और यू कैन से दैट एमिएबल बिहेवियर ऑफ द स्पाइडर ये जो स्पाइडर की एमिएबल बिहेवियर है उसकी रिटर्न uh, में फ्लाई फ्लाई fly, fly ने क्या कहा फ्लाई ने कहा नो नो से फ्लाई सो द फ्लाई है ऑफर गिटिल फ्लाई है वो ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्या बोला कि मुझे पूछना बेकार है टू आस्क इन वेन फॉर हु योर विंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन एपोस्ट्रॉफ की कॉमा इीन्स इट मीन नेवर NEVER so here the fly very intellectually rejects the spider and says that i know that one who goes up to your winding stair one who goes up to your you know parlor winding parlor it never comes down again that means you eat it you eat it i eat it and i know that very well So, ये जो, spider है, spider का जो पहला वाला ऑफर है वो नहीं आया काम में मूव टू द फ्लाई सो हियर यू कैन सी द स्पाइडर ऑल ऑफ अडन स्टार्ट getting very concerned about द फ्लाई

मतलब अभी तुम बहुत ही टायर्ड हो चुके हो है ना बहुत ही टायर्ड हो चुके हो अभी तुम इतना ऊंचाई उठते हो हमेशा तो आई थिंक दैट यू शुड टेक सम रेस्ट ऑन लिटिल लिटिल इज़ टेलिंग दैट आई एम हैविंग अ सो प्लीज कम एट प्लेस यू नो एंट्रैप द फ्लाई So the spider is using some seductive and manipulating words in order to entrap the fly, in order to take the fly to its web, or you can say to its house or to its residence. The motto of the spider is nothing but to eat the fly. Now here you can see, here you can say that the spider may come to the fly and eat it. No, it can never happen because God has created its creatures in different different ways.

उसको छुपा के उसको हाइट करके ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आ जाओ मेरे बेड पे इधर आके सो जाओ लेट जाओ यहाँ है ना बहुत ही वीक होंगे इसीलिए आ जाओ ना इधर ये जो सीडाक्टिव बातें बोल रहे हैं इसके पीछे जो मोटो है वो है कि कम एंड आई विल यू दैट्स इट आर फाइन एंड थिन So, here you can see there are a lot of things which are very, very good to see, very nice to see, very wonderful to feel. And these things are the curtains drawn around here and there, the bed sheet that's also very fine and very thin. Come here at my place, you know, lay down on my bed, and it, it will feel like heaven, you will feel heavenly, isn't it? And if you like to rest a while, I will. Snugly tuck you in. So here you can see these all these manipulating and seductive words. So here you can definitely identify the spider as a, a manipulating creature, as a flirtatious one. Okay, uh, who actually wants to melt down a you know a, a fly's heart with a, all its you know sweet and cheeky words. What is cheeky? Cheeky means coquettish. Now, what is coquettish? Coquettish means flirtatious. So, here you can see three similar words coquettish, cheeky, and flirtatious. So, these terms you can write down in your copy. Okay. Now, see, next part is. <clears throat> now, see, what has the fly said to the spider? Oh, no, no, said the little fly. For I have often heard it said, they never, never wake again, who sleep upon your bed. So here you see the fly has said, what has the fly said to the spider? Wonderfully intellectual answer, and that's it. That the fly is saying to the spider that I have heard that whoever lies down on your, you know, upon your bed, it never wakes up again. So,

फ्लाई ने बस सुना है ये सब बातें सुना है कि जो आ, तुम्हारा वो विंडिंग यू you नो know, रेसिडेंस में जाते हैं विंडिंग पार्लर में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते जो तुम्हारा जो ये बेड है बेड के ऊपर सोते है वो कभी नींद से जागते नहीं है ये जो बातें है ये बातें हियर सेज है मतलब क्या है हार्ड है सुना हुआ बातें है तो फ्लाई है एक्सपीरियंसड बाई तो इट सेल्फ ये दिमाग में रहना चाहिए Now let us come to the third paragraph and that is the last paragraph for today's class Said the cunning spider to the fly Dear friend what shall i do to prove the warm affection i have always felt for you so my goodness those seductive words again The spider has said to the fly that how will i prove myself i am very much affectionate to you

ऑलवेज तुम्हारा नेगेटिव ही सोचते हैं। वो आके अगर ये सब बातें तुमको कहे तो कभी भी ट्रस्ट मत करना क्योंकि ये सब बातों के पीछे कुछ ऐसा ही इंटेंशन है जो कि बहुत ही खराब है और तुम्हारे लिए जान लेवा भी हो सकते हैं। आया समझ में चलो आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट नाइस आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम विल यू प्लीज स्लाइस So, अभी आ, पहले जो रेसिडेंस है उसका मतलब आ, ये दिया मतलब so क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में प्रोवोक किया पहले पहला वाला जो स्टैंडर्ड था वहां ये बोल के प्रोवोक किया कि आ, मेरी जो रेसीडेंस है वो बहुत ही विंडी है बहुत ही अच्छा है आ जाओ दूसरा वाला जो पैराग्राफ है उस पे ये आ, मतलब ये बातें बोल के मैनिपुलेट करना चाहते थे वो स्पाइडर कि मेरे जो बेड है वो बहुत ही अच्छा है बेड का जो कवर है वो बहुत ही थेन है और बहुत ही फाइन है वहां आके लेट जाओ अभी तीसरा वाला जो पॉइंट है वो ये है कि मेरी जो पेंट्री है जहां मतलब खाना वगैरह वगैरह रहते हैं, वो बहुत ही अच्छा है वहां का जो खाना है एकदम फर्स्ट क्लास है आके एक स्लाइस ले लो ठीक है अभी वट इज द रिप्लाई ऑफ द फ्लाई टू द स्पाइडर अभी फ्लाई का रिप्लाई क्या है स्पाइडर को नो oh, नो no, no. Said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what's in your pantry and I do not wish to see. So here you can see. <laughs> what can be there in a pantry of a spider? Spider ki jo pantry. Khanikis sakte? All the dead bodies of the insects, flies and all. Hai na? So, what is the reply of the fly to the spider? That no, no, I will not go over there. I have heard what's there within your pantry. I really don't want to see them. I am not at all interested. So, up to third paragraph, I have taught you today. Or, one thing rakhna. remember: this poem is actually a cautionary poem. What is it? Cautionary poem hai. Okay, you can write these words.

वो बहुत ही खास मैसेज है वो यही वो ये है कि डोंट ट्रस्ट एवरी वन डोंट ट्रस्ट एवरी वन हु कम्स टू यू विथ अ फ्रेंडली बिहेवियर विथ एन एमिएबल बिहेवियर ओके एवरी वन हु टॉक्स टू यू इन अ नाइस वे इज नॉट योर फ्रेंड ओके सो फाइन अप टू दिस पार्ट आई हैव यू टूडे डोंट फॉरगेट comment below if you like the way i do teach you or if you are having any query to ask me the rest of the poem i will teach you in my next class see you soon bye